हेलो दोस्तों, मैं मनोज मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे की के बारे में बताने वाला हूं कि जो कि आपके लिए बहुत ही खास है। वैसे हर कीज तो इसमें इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये जो की है ये भी, इसके बिना भी आप लोग टाइपिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को टाइपिंग करना है तो आपको ये की भी सीखना ही पड़ेगा। तो इससे पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि टाइपिंग किस तरह से किया जाता है, उसमें कौन कौन से कीज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होगा। यानी कि अगर आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या और भी किसी भाषा में अगर टाइपिंग करना है तो आप लोगों को उन सभी कीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो कि कीबोर्ड पर है। लगभग कीबोर्ड के सभी की पता होने चाहिए, लेकिन टाइपिंग करने के लिए जितने मैंने कीज़ बताए वो सारे कीज़ तो आपको पता होने ही चाहिए। तो इसी के साथ साथ आज जो कीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि ये कीज़ क्या काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग जब नोटबुक में लिखते हो, यानी कि जब भी आप लोग नोटबुक में लिखना चालू करते हो, तो आप लोग दो तरह से लिखते हो, एक तो पेंसिल का यूज करके और दूसरा पेन का यूज करके। अगर आप लोग पेंसिल यूज कर रहे हो तो आपके पास इरेजर भी होगा ही, यानी कि अगर आप लोग पेंसिल से ये लिख रहे हो और लिखते समय अचानक कोई ऐसे गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो गया, तो क्या आप लोग उसे काट के आगे बढ़ जाओगे? नहीं, बल्कि आपके पास उसे मिटाने के लिए इरेजर होता है, जो रबर होता है वो। तो आप लोग रबर या इरेजर जो भी है उसे यूज करके आप लोग उसे मिटा सकते हो, यानी कि मिटाने के बाद आप लोग फिर से लिखते हो। समझ में आया? यानी कि जहाँ भी आप लोगों से लिखते समय गलती होती है, पेंसिल से लिखते समय बता रहा हूँ, जहाँ भी आप लोगों को पेंसिल से लिखते समय गलती होती है वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, इरेजर का उपयोग करके उसे मिटा लेते हो, यानी कि रबर से उसे मिटा देते हो और फिर वापस वहीं से लिखना स्टार्ट करते हो, जिससे आप लोगों का जो गलती होती है वो सुधर जाती है और अच्छा भी दिखता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर मिस्टेक होगा, मिस्टेक उसमें दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए रबर का यूज होता है। लेकिन अगर आप लोग यही चीज़ पेन से लिख रहे हो, अगर आप लोग यही चीज़ पेन से लिख रहे हो तो पेन से लिखा हुआ चीज़ तो मिटेगा नहीं। एक बार अगर आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, उसमें गलती हो गई, तो आप लोग क्या करते हो, पेन से उसे काट देते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि एक पेज लिखते समय उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो बहुत सारे से उसमें काट पीट कर देते हैं, यानी कि बहुत ख़राब दिखता है, यानी कि जो भी लिखा रहता है बहुत ख़राब दिखने लगता है। तो ऐसा ना हो इसी के लिए कंप्यूटर में एक की बनाया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे इरेजर का उपयोग कर लेते हैं, पेंसिल लिखते समय तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें ध्यान से लिखना होता है ताकि गलती ना हो, जबकि पेंसिल से लिखते समय हम इरेजर का उपयोग करके उसे सुधार लेते हैं। तो जैसे हम नोटबुक में लिखते समय सुधार लेते हैं इरेजर का उपयोग करके, सेम उसी तरह कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय हमारे पास एक की होता है जिससे हम इन अक्षरों को मिटा सकते हैं। यानी कि अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते समय हमसे कोई गलती हो जाती है या गलती से हम कुछ दूसरा टाइपिंग कर दिए, तो हम उसे मिटा भी सकते हैं। तो मिटाने के लिए जिस कीज़ का उपयोग होता है उस की का नाम है बैकस्पेस की। क्या नाम है? बैकस्पेस की। तो कंप्यूटर में किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को या किसी भी पैराग्राफ को, चाहे कुछ भी हो, लेटर हो, वर्ड हो, सेंटेंस हो, पैराग्राफ या पिक्चर हो, चाहे कुछ भी लिखा रहे, हमें अगर उसे मिटाना है तो हम बैकस्पेस की से उसे मिटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि बैकस्पेस की का यूज किस तरह से किया जाता है, कीबोर्ड में वो किस जगह पर होता है, वो दिखता कैसा है, और हम आखिर पहचानेंगे कैसे कि बैकस्पेस की कौन सा है। तो ये सब मैं आप लोगों को सबसे पहले ड्राइंग की मदद से बताऊंगा, उसके बाद उसी को मैं आप लोगों को रियल कीबोर्ड पर दिखाऊंगा जो कि हम लोग यूज करते हैं, और बाद में मैं आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कंप्यूटर में कि किस तरह से उसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए। तो समझ में आया आप लोगों को कि इसका यूज क्या है? तब हम देखेंगे कि इसमें ड्राइंग की मदद से आखिर उसमें है क्या और कैसा दिखता है। तो चलिए अब हम लोग ड्राइंग की मदद से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग की मदद से कि बैकस्पेस की होता क्या है और वो कीबोर्ड पर किस जगह पर होता है और उसका काम क्या है। तो यहाँ पर नीचे एक ड्राइंग बनाया गया है कीबोर्ड का। तो ये जो ड्राइंग है इसमें आपको बैकस्पेस की दिखाया गया है कि वो कीबोर्ड पर किस जगह पर होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग क्या दिया है और क्या समझाया है। तो यहाँ लिखा है हाउ टू इरेज। इरेज मीन्स होता है मिटाना।
कि हम किस तरह से मिटाएंगे, किसे मिटाएंगे, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, चाहे कोई भी अक्षर हो, शब्द हो, वाक्य हो या फिर पैराग्राफ हो, या फिर कोई अगर पिक्चर हो, नंबर हो या और कुछ भी हो, अगर हमें कंप्यूटर में उसे मिटाना है तो हमें बैकस्पेस की का यूज करना होता है। अब यहाँ पे लिखा है इरेज एनीथिंग, इरेज एनीथिंग, इरेज मीन्स होता है मिटाना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, इरेज एनीथिंग यूजिंग बैकस्पेस की। बैकस्पेस की का यूज करके हम कैसे कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं, तो वही चीज़ हमें इसमें सीखना है, किसी भी अक्षर, शब्द, वाक्य या पैराग्राफ को कैसे मिटाएं। फिर यहाँ पे इंग्लिश में ये लिखा है हाउ टू इरेज लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ्स इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में हम कैसे किसी भी अक्षर, शब्द, वाक्य या पैराग्राफ को मिटाएंगे ये सीखेंगे, और बैकस्पेस की का यूज क्या है ये सीखेंगे। तो पहले तो हम ये सीख लेते हैं यहाँ पर कि ड्राइंग में जो कीबोर्ड होता है उस पर बैकस्पेस किस जगह पर होता है। तो यहाँ पर ड्राइंग मैंने बनाकर दिखा दिया है, ये पूरा हमारा एक कीबोर्ड है जो हम यूज करते हैं, और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में ऊपर के साइड में यहाँ पे बैकस्पेस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे BACK SPACE, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है BACK SPACE, बैक स्पेस, और यहाँ पर एक एरो बना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बैकस्पेस नाम का बटन होता है वो थोड़ा छोटे साइज़ में आता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये कैसे ये छोटे छोटे साइज़ में से बटन है, तो ये जो ऐसे छोटे छोटे साइज़ में बटन है, कभी कभी क्या होता है कि ये छोटे छोटे साइज़ के बटन जैसे हैं, इसी टाइप का यहाँ पे बैकस्पेस की किसी किसी कीबोर्ड में छोटा सा बना होता है, तो जो छोटा सा बना होता है तो उस पर बैकस्पेस नहीं भी लिखा होता, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैकस्पेस की अगर नहीं भी लिखा है तो भी उस पर एक एरो तो छपा ही होगा, ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिखा देता हूँ नज़दीक से, ये जो एरो आप लोगों को दिख रहा है ये है बैकस्पेस की का एरो, तो ये जो एरो है ऐसा एरो तो उस पर छपा ही होगा, तो वो भी बैकस्पेस बटन ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बड़ा सा की हो, वो छोटा सा भी ऐसा हो सकता है पर इसी जगह पे होगा, तो इसी जगह पे बैकस्पेस की होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि चाहे जब भी हम कीबोर्ड कोई भी यूज करें तो उस कीबोर्ड में इस जगह पे जो बटन होगा वो बैकस्पेस की होगा और उस पर एरो छपा होगा, अगर एरो नहीं छपा है तो बैकस्पेस लिखा होगा, या बैकस्पेस नहीं लिखा है तो एरो छपा होगा, या तो किसी किसी कीबोर्ड में दोनों लिखा होता है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बैकस्पेस की कीबोर्ड में कहाँ होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे साइड में ड्राइंग में थोड़ा बड़े अक्षर में यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है कि यहाँ पे लिखा है बैकस्पेस की, ताकि ये अच्छी तरह से दिख सके। और अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैक लिखा है BACK, बैक मीन्स होता है पीछे, बैक मीन्स क्या होता है पीछे, और स्पेस मीन्स क्या होता है जगह, यानी कि हमें एक अक्षर के बराबर अगर जगह वापस पीछे लाना है मिटाकर, आपको पता ही होगा कि जब हम इरेजर से मिटाते हैं रबड़ से तो वो हम पीछे के साइड वापस लिखना चालू करते हैं, यानी कि एक बार मिटा दिए तो उतना तो जगह खाली हो गया, और खाली होने के बाद हम फिर से वहाँ से लिखना चालू करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जितनी बार हम ये बटन दबाएंगे उतना स्पेस कम होता जाएगा, यानी कि बैक मीन्स पीछे आता जाएगा, उतना स्पेस कम होगा और बैक मीन्स पीछे आता जाएगा, और फिर से जहाँ तक हम मिटाए वहाँ से हम फिर से लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बैक स्पेस। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है ड्राइंग की मदद से मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैक स्पेस की किस जगह पर होता है कीबोर्ड में, और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए इसका यूज होता है, चाहे वो नंबर हो, पैराग्राफ हो, वर्ड हो, या फिर कोई भी ड्राइंग हो, हर चीज़ को हम मिटा सकते हैं इसी के यूज़ से। अब मैं आप लोगों को यही चीज़ रियल कीबोर्ड पर दिखाता हूँ कि बैकस्पेस की इसी जगह पर होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं अब रियल कीबोर्ड पर जो हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस कीबोर्ड पर जो हम यूज करते हैं, तो मैं ये कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, और इस कीबोर्ड पे बैकस्पेस बटन कहाँ पर होता है, जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइंग में दिखाया बिल्कुल उसी जगह पे होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर एक बैकस्पेस बटन बना हुआ है, तो ये बटन यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे दिख रहा है BACK SPACE बैकस्पेस, तो ये बैकस्पेस बटन है और इसमें एरो नहीं छपा हुआ है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सब में एरो छपा रहे, किसी किसी में लिखा होता है, किसी किसी में एरो छपा होता है, और किसी में दोनों होता है, और कहीं कहीं पे बटन ये छोटा होता है, कहीं पे बड़ा होता है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि या तो एरो होगा या तो बैकस्पेस लिखा होगा, बटन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
तो यहीं पे, लेकिन इसी जगह पे होता है, तो ये बैकस्पेस बटन इसी जगह पे होता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये यहीं पर होता है, तो हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यह है बैकस्पेस बटन जो कि मेरे कीबोर्ड में है। अब हम इसी का यूज़ सीखेंगे कि ये जो बैकस्पेस बटन है ये हम किस काम में यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया बिल्कुल उसी तरह से मैं आप लोगों को अब इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस कंप्यूटर में कि इसका यूज हम कंप्यूटर में किस तरह से करते हैं मिटाने के लिए। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल कंप्यूटर में करके दिखाता हूँ नोटपैड नाम के एप्लीकेशन में। तो जैसे मैं नोटपैड नाम के एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा बिल्कुल उसी तरह से सभी के सभी एप्लीकेशन, चाहे जो भी एप्लीकेशन हो सभी एप्लीकेशन में उसी तरह से यूज होता है। तो आपको उसी तरह से इसे यूज करना है, और जैसे आप लोग टाइपिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसे मिटा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर सबसे नीचे जा रहा हूँ, ये स्टार्ट बटन है और इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं नोटपैड नाम का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो ये नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करके दिखाता हूँ, कुछ टाइप करूँगा और गलती से मिस्टेक हो जाएगा तो कैसे उसे मिटाते हैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं पहले सिंपल सा एक लिख के दिखाता हूँ अल्फ़ाबेट। तो जैसे ए बी सी डी होता है ए टू जेड, अब मैं मान लीजिए कि यहाँ लिख रहा हूँ ए, फिर मैं स्पेस छोड़ा, फिर बी, फिर स्पेस छोड़ा, फिर गलती से मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था सी। ए लिखा, बी लिखा, डी लिखा, ए लिखा, बी लिखा, डी लिखा, लेकिन यहाँ पे डी की जगह पे क्या आना चाहिए था सी, उसके बाद आता डी, तब ये तो गलत हो गया। लेकिन अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने के लिए मुझे क्या करना है, मिटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकस्पेस नाम का ये जो बटन है ये दबाना पड़ेगा। तो देखिए मैं ये दबाऊँगा और ये जो यहाँ पर डी लिखा हुआ है ये यहाँ से मिट जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं एक बार दबाऊँगा तो मिटेगा, यहाँ मैंने ये दबाया एक बार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी गायब हो चुका है, दिख रहा है। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, फिर गलती से मैं अब यहाँ पे ई के बाद करता हूँ, ई के बाद एफ आता है, लेकिन मैं यहाँ पे मान लीजिए कि गलती से जी लिख दिया, फिर आई लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ई के बाद एफ लिखना चाहिए था, फिर जी लिखना चाहिए था। अब तो दो दो मिस्टेक हो गए, अब क्या करूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी बैकस्पेस से ही करना पड़ेगा इसी तरह से, मतलब चाहे कैसे भी मिस्टेक हो, किसी भी तरह का मिस्टेक हो, हमें मिटाना बैकस्पेस से ही होता है। तो चलिए हम मिटा के देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से बैकस्पेस बटन दबाऊंगा और यहाँ से ये जी जो है वो गायब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि ये दोनों साथ में आए। देखिए मेरी उंगली यहाँ पर कीबोर्ड पर है और ऊपर वहाँ पर जी जो है, आई जो है वो मिटेगा। तो यहाँ से मैं बैकस्पेस ऐसे दबाता हूँ, ये मैं बैकस्पेस दबाया और वहाँ से आई गायब हो गया। तो इस तरह से ये जो है एक एक अक्षर हम मिटा सकते हैं। और यहाँ पे जितना ये सिंगल स्पेस छूटता है, ये जो सिंगल स्पेस है ये भी बैकस्पेस से ही एक एक ऐसे पीछे आता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं मिटाऊँगा वैसे वैसे ये पीछे आता जाएगा। तो मैं यहाँ से बैकस्पेस बटन दबाता हूँ, तो ये बैकस्पेस बटन में दबाया तो यहाँ पर एक स्पेस ये पीछे आ गया। यानी कि आप एक बार अगर बैकस्पेस बटन दबाएंगे तो ये सिंगल स्पेस यानी कि एक अक्षर जितना पीछे आता है, एक अक्षर जितना पीछे आता है, और अगर कोई अक्षर लिखा होगा तो उस अक्षर को मिटा देगा। देखिए यहाँ से बैकस्पेस मैं फिर से दबाता हूँ तो यहाँ से जी मिट जाएगा। तो मैं यहाँ से बैकस्पेस दबाया और जी मिट गया, देखा आपने। तो इस तरह से हम किसी भी अक्षर को मिटा सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो एक साथ ये सबको भी मिटा सकता हूँ। कैसे, हम लगातार अगर बैकस्पेस दबाए रहें तो वो एक एक अक्षर जितना पीछे जाता रहेगा और सब मिट जाएगा। देखिए मैं यहाँ से बैकस्पेस दबा के रखता हूँ, तो यहाँ से दबा के रखूँगा तो पूरा सब मिटेगा। समझ में आया, यानी कि हम एक साथ बहुत सारे चीज़ों को मिटा भी सकते हैं, और एक एक अक्षर अगर हमें मिटाना हो तब भी हम मिटा सकते हैं, और एक साथ पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी मिटा सकते हैं। अब देखिए अब मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, और मान लीजिए कि वो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ लेकिन मुझे लिखना कुछ और था और गलती से कुछ और लिख दिया, तो कैसे उसे मिटाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ,
दिस इज एन एलिफेंट, इस तरह से एक सेंटेंस लिखता हूँ, टी एच आई एस, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी कैपिटल हो गया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ वापस, बैकस्पेस बटन का मैंने यूज किया, देखिए मैंने मिस्टेक किया था। हाँ वापस आपको बता देता हूँ एक बार कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे टी फिर एच आई एस ऐसे मैंने लिखा, तो मिस्टेक क्या हुआ इसमें कि टी जो है वो स्मॉल में आ गया जबकि फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और बाकी सब कैपिटल में आ गया जबकि वो सब स्मॉल में होना चाहिए। तो ये मुझसे एक मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बैकस्पेस बटन दबाया, देखिए मैं बैकस्पेस बटन दबाऊंगा ये मिटेगा, ये दबा रहा हूँ और ये मिट गया, देखा, फिर दबाया पूरा का पूरा मिट गया। इस तरह से अगर कोई गलती से मिस्टेक हो जाए जैसे कि मुझसे अभी अभी हुआ, तो मैंने कैसे बैकस्पेस बटन का यूज करके इसे मिटाया, बिल्कुल उसी तरह से मिटाना होता है। तो चलिए पूरा सेंटेंस अब मैं सही से लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज एन एलिफेंट, टी एच आई एस, दिस इज एन पी एच ए एन टी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, अब आगे मैं लिखता हूँ द एलिफेंट इज फैट, द ई एल ई पी एच ए एन, देखिए गलती से मैंने एन दबा रहा था तो गलती से जे दब गया, दिखा आपको, मैं एलिफेंट का स्पेलिंग यहाँ पे लिखने जा रहा था, मैं एन दबाने जा रहा था तो यहाँ पे जे दब गया। तो ये जो जे दबा ये अब मुझे मिटाना है ताकि मैं यहाँ पे एन लिख सकूँ, तो क्या करना पड़ेगा, बैकस्पेस बटन दबाना पड़ेगा, बैकस्पेस बटन में दबाया, देखिए जे गायब हो गया हुआ। अब यहाँ पे मैं एन और टी लिख सकता हूँ, तो इस तरह से लिखा द एलिफेंट इज फैट, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस एक पूरा लिख दिया द एलिफेंट इज़ फैट, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना था कि द एलिफेंट इज़ फैट, मुझे ये सेंटेंस नहीं लिखना था, मुझे लिखना था यहाँ पे कुछ और। हाँ मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई और सेंटेंस लिखना था, अब इस सेंटेंस को मैं लिख दिया तो क्या करूँ, इसे काट तो सकता नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना है, तो काटेंगे तो वैसे भी गलत हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता, तो इसे हमें बैकस्पेस दबाना है यहाँ पे, जितनी बार मैं दबाऊंगा उतनी बार ये मिटता जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, मिट रहा है, मैं यहाँ से नीचे बैकस्पेस बटन ऐसे दबा रहा हूँ और यहाँ ऊपर ऐसे मिटता जा रहा है, मिट गया। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ और, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा, आपने देखा कि कैसे मैंने वो पहले वाला सेंटेंस मिटाकर यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस लिख दिया है, द एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, की हाथी जंगल में रहता है। तो इसी तरह से मुझे अगर बड़ा सा पैराग्राफ लिखना हो या बहुत ज़्यादा लिखना हो फिर भी अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो हम इसी तरह से मिटाते हैं, बस हमें क्या करना होता है, बैकस्पेस बटन दबाना होता है। अगर हमें एक एक अक्षर दबाना है तो हमें इस तरह से ऐसे एक एक बार दबाना होगा, और अगर हमें एक साथ सब कुछ मिटाना है तो हम ऐसे बैकस्पेस बटन दबा के रखेंगे तो पूरा का पूरा मिट जाएगा। देखिए मैं बैकस्पेस बटन दबा के रखता हूँ कैसे मिटेगा ये, तो मैं यहाँ पे बैकस्पेस बटन ऐसे दबा के रखा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब गायब हो रहा है, मिट गया। तो इस तरह से ये मिटता है, देखिए बैकस्पेस बटन ऐसे दबा के रखूँगा और ये मिटता जाएगा, तो इस तरह से ऐसे मिटा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये MS Word मैंने ओपन किया है तो इसमें एक पैराग्राफ जैसे लिखा हुआ है, अब मान लीजिए कि पैराग्राफ मुझे पूरा का पूरा मिटाना है बल्कि इस जगह पे मुझे दूसरा कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से पूरा का पूरा मिटाना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इस जगह पर और यहाँ पर कर्सर आ चुका है, दिख रहा है मेरा माउस, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ से मैं मिटाऊँगा तो बैकस्पेस से यहाँ से मिटेगा, लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिटाना है, मुझे यहाँ से पूरा मिटाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया नीचे और अब मैं मिटाऊँगा तो पूरा का पूरा मिटता जाएगा। देखिए यहाँ पे बैकस्पेस बटन दबाऊँगा, तो बैकस्पेस बटन दबा रहा हूँ यहाँ से, पहले देख लीजिए बैकस्पेस बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पर ये मिटता जा रहा है, दिख रहा है। तो अगर मुझे ऐसे एक एक अक्षर मिटाना होगा तो मैं ऐसे बैकस्पेस बटन दबाता जाऊँगा तो एक एक अक्षर मिटेगा, लेकिन इतनी बार आप सोचेंगे कि कितनी बार आखिर दबाएंगे, थक नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है, बैकस्पेस बटन ऐसे दबा के रखना है, ये पूरा का पूरा ऐसे मिटता जाएगा स्पीड में, समझ में आया, जरूरी नहीं कि बार बार ऐसे दबाते रहें, तो ऐसे पूरा का पूरा मिटा सकते हैं, दिख रहा है सब कुछ मिट गया।
तो ऐसे हम पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बैकस्पेस बटन का यूज किस लिए किया जाता है कंप्यूटर में, तो और कैसे किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जैसे यहाँ पे बैकस्पेस बटन है, इसका उपयोग मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे के वीडियो में हम लोग और भी किसी की के बारे में सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग नए नए एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे कि कौन से एप्लीकेशन किस तरह से चलाया जाता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहे हैं एप्लीकेशंस, तो ये सब एप्लीकेशन क्या होते हैं और इनके नाम क्या हैं, ये चलाया कैसे जाता है, कैसे सेव किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। धीरे धीरे हम पूरी तरह से कंप्यूटर कोर्स सीखेंगे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो अभी बेसिक मैं आप लोगों को सिखाते जा रहा हूँ, तो आप लोग हर वीडियो इसी तरह से देखते रहिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आता जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना समझ में आता हो या आप लोगों को कुछ पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक बटन दबाकर। अगर आप लोग दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स के बारे में कि किस तरह से कंप्यूटर चलाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप शेयर करके उन्हें भी सिखा सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नाम का जो बटन है लाल कलर का, वो दबाकर, और साथ में उसके बगल में एक बेल आइकन बना होता है तो वो बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं आगे कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुँच जाएगा और आप लोग उसे तुरंत देख पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो आगे आने वाले वीडियो भी मेरे इसी तरह देखते रहिए ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले।